बागेश्वर पुलिस का नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान तेज हो गया है। बागेश्वर और कपकोट पुलिस ने 2 किलो 839 ग्राम चरस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरामद माल की कीमत 2,70,000 से अधिक आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि बागेश्वर जिले को नशा मुक्त करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने रीठापगड़ निवासी हुकुमराम तथा कृष्ण कुमार को 1 किलो 834 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि कपकोट पुलिस ने कपकोट निवासी रविंद्र सिंह को 1 किलो 5 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बागेश्वर और कपकोट पुलिस सहित एसओजी टीम की सराहना करते हुए गुड वर्क करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों का यह पहला अपराध है, लेकिन इनके बड़े तस्करों से संबंध को भी खंगाला जा रहा है ताकि बड़े शहरों में बैठे अपराधियों को भी सलाखों के पीछे डाला जा सके। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी जिले कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। चरस जो नीचे जाती है पहाड़ों से और स्मैक जो ऊपर आती है, इसी क्रम में हम लोगों ने भी अभी कल 2 हमारे यहाँ मामले ऐसे हम लोगों ने पकड़े हैं। एक थाना कपकोट में पकड़ा है और एक कोतवाली बागेश्वर में। कोतवाली बागेश्वर में हमने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और जो 2 लोग थे वो उनके पास 2.25 किलो से ज़्यादा मात्रा में चरस की जो है खेप थी, जैसे वो लेकर के कपकोट साइड से आए थे यहाँ पे खपाने के लिए। जो उन्होंने नाम बताए हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स को भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रहे हैं। इसी तरह से जो एक और मामला है वो कपकोट का है, जहाँ पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास 1 किलो से अधिक मात्रा में चरस लेकर के वो आया था, उसने भी जो नाम बताया है उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। इस तरह से टोटल लगभग 2.5 किलो लगभग हमने 2 मामलों में चरस का जो है कल बरामदगी करी है और ये एक अभियान के रूप में हम लोग ने चला रखा है। इसको आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे चलाएं और एरिया को हम लोग चरस से मुक्त करने के प्रयास करेंगे। कीमत क्या रही है बरामद माल में? ये अलग अलग है, जैसे उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये किलो के हिसाब से वो ले करके एक आया, उसने ऐसा बताया। दूसरे ने बताया कि हमने 60,000 रुपये में ये लगभग 2.25 किलो लिए। एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं होता क्योंकि ये सब ब्लैक चीज़ें हैं, मतलब 1-1.5 लाख रुपये तक का सामान हो सकता है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनको अरेस्ट करके हमने माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जो इन्होंने नाम बताए हैं हम कोशिश करेंगे उनको भी जो है, अगर उनका बिल्कुल सही ट्रैक मिल जाता है, हमें सबूत मिल जाते हैं, उनको भी हम उसमें सहभियुक्त बनाएंगे। ये विवेचना का पार्ट है। अभी हम ऐसे एकदम से किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि नाम कभी कोई झूठ भी बोल सकता है। हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन के तहत उस चीज़ों को रखेंगे और माननीय मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत करेंगे। अरे तीनों आरोपी फर्स्ट टाइम पकड़े गए हैं या पहले भी इनका? हाँ, अभी तक इनका अभी हमें क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन हमने DCRB के थ्रू बाहर के जो है जिलों से पता किया है। अगर हमें वो मिलेगा तो हम वो भी इनके साथ इन्वेस्टिगेशन में जोड़ करके कि ये पुराने हिस्ट्री शीटर रहे हैं या पुराने क्रिमिनल रहे हैं वो भी हम कोशिश करेंगे। इसमें से जो एक व्यक्ति था वो गाड़ी चलाने का काम करता था और दूसरा व्यक्ति था वो हमारा मैकेनिक का काम करता था। तो मोटर व्हीकल से जुड़े हुए लोग फिलहाल आ रहे हैं, इस ट्रेंड को भी हम एनालिसिस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भविष्य में इस तरह के लोगों को और गहराई से चेक करें और इस तरह की चीज़ों का वो आड़ लेकर के फ़ायदा ना उठाएं और चरस की तस्करी में लिप्त ना हो। कपकोट और बागेश्वर पुलिस की ये कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं और क्या? नहीं, अच्छी सफलता है, दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया है मामले को। उसमें SOG का भी थोड़ा हाथ है, हमारी बागेश्वर पुलिस का हाथ है और कपकोट के जो हमारे CO और थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।